गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह लगातार मतगणना स्थलों पर रहे भ्रमणशील। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की मतगणना शनिवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरंभ हुई। जिले की 3 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों की मतगणना निर्धारित स्थान पर आरंभ हुई। मतगणना शनिवार को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। मतगणना में पूरी निष्पक्षता रहे, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह लगातार मतगणना स्थलों पर भ्रमणशील रहे। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मतगणना के अनुसार नगर पालिका परिषद गाजीपुर में भाजपा प्रत्याशी सरिता अग्रवाल ने 19,671 वोट पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी दिनेश यादव को 3,335 मतों से मात दी। सपा के दिनेश यादव को कुल 16,317 मत मिले। नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद में सपा प्रत्याशी रईस ने 9,825 वोट पाकर भाजपा प्रत्याशी संदीप गुप्ता को 2,514 मतों से पटकनी दी। संदीप गुप्ता को कुल 7,311 मत मिले। नगर पालिका परिषद जमानिया से भाजपा प्रत्याशी जय प्रकाश गुप्ता ने 6,291 वोट पाकर निर्दल प्रत्याशी अनिल पर 3,522 मतों से बढ़त बनाकर विजयी श्री प्राप्त की। अनिल को कुल 2,769 मत प्राप्त हुए। इसी क्रम में नगर पंचायत बहादुरगंज से सपा प्रत्याशी रियाज अहमद ने 4,386 वोट पाकर भाजपा प्रत्याशी अरविंद कुमार पर 812 मतों से विजय पाई। अरविंद कुमार को कुल 3,534 मत ही प्राप्त हुए। नगर पंचायत सैदपुर में भाजपा प्रत्याशी सुशीला ने 5,707 मत पाकर सपा प्रत्याशी सरिता को 459 मतों से हराया। सरिता को कुल 5,248 मत प्राप्त हुए। नगर पंचायत सादात से सपा प्रत्याशी सुमन यादव ने 2,111 मत पाकर निर्दल प्रत्याशी शिवानंद को 454 मतों से पराजित किया। शिवानंद को कुल 1,657 मत मिले। नगर पंचायत दिलदारनगर में भाजपा प्रत्याशी अविनाश कुमार जायसवाल ने 1,913 मत पाकर निर्दल प्रत्याशी मोहम्मद अलीशेर को 358 मतों से पराजित किया। मोहम्मद अलीशेर को 1,555 मत प्राप्त हुए। नगर पंचायत जंगीपुर से निर्दल प्रत्याशी रुखसाना ने 2,334 मत हासिल कर निर्दल प्रत्याशी उषा को 117 मतों से हराकर विजयी हुई। उषा को 2,217 मत मिले।